कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव और जिले के प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्र की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्र ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों को कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में अच्छे कार्य किए गए थे, लेकिन चुनाव में हमारा प्रदर्शन इसलिए ठीक नहीं रहता है क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन को जिला, महानगर, वार्ड, गली गली और न्याय पंचायत एवं ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना होगा। बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्र ने कहा, राहुल जी का, चाहे सोनिया जी का सभाओं में उनकी बात सुनने, जिस समय वोट का समय आता है गांव में बूथ, तो वहां हमारा कोई आदमी, हमारा कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए बात करने वाला नहीं रहता है। तब तो हवा उड़ाते रहते हैं और उस हवा का जवाब देने के लिए हमारा कोई व्यक्ति वहां, सब कुछ के बाद भी नहीं कर पाएंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। प्रदर्शन तो कर लेंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अब यहाँ हवाबाजी की राजनीति भाई मैं कोशिश करूंगा न चल पाए, जमीन पर रहिए और उसके बाद चाहे दिल्ली में मजबूत रहिए चाहे लखनऊ में। तो ये कांग्रेस के बहादुर उपाध्यक्ष आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए खास तौर से है। हम अच्छे काम करते हैं, हमारी सरकारें थी तो हमने तमाम अच्छी योजनाएं, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण बिल, खाद्य सुरक्षा बिल और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने RTI जैसे तमाम ऐसे कानूनों को हम लाए। सराहना तो करते हैं लेकिन चुनाव में हमारा प्रदर्शन ठीक इसलिए नहीं हो पाता कि हमारा संगठन नहीं है। तो हमारी राष्ट्रीय सचिव और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का पहला वह है, चुनाव हम बाद में लड़ेंगे, पहले हम संगठन को वार्ड तक, घर घर और जिले के न्याय पंचायत, ब्लॉक और गाँव सभा तक मजबूत करने में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और यह इसी काम के लिए पिछले दिनों मैं जिले में भी बैठक किया था और आज इसीलिए मैं महानगर कमेटी में आया हूँ।